अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग जो है वो तीन माइक्स का जो है वो रिव्यू करेंगे फॉर बिगनर यूट्यूबर्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो मैं जितने भी नए आने वाले जो लोग हैं चैनल पर उन सबको वेलकम कहता हूँ। और काइंडली प्लीज़ ऐसी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए और व्लॉग्स के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आप लोगों को दिखा दूँ कि हम जो है वो इन तीन माइक्स का रिव्यू करेंगे। ये वायरलेस ब्लूटूथ माइक है, ये मोस्ट पॉपुलर बोयोगा MM1 प्रो माइक है, और ये लेवलियर माइक है। तो इनको हम जो है वो आज रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये तीन माइक्स ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर वीडियो क्रिएटिंग। और जो है वो इन्हीं तीनों माइक्स से जो है वो सारे काम, आपके सारे पर्पज़ पूरे हो जाते हैं, आपके जो है सारी वीडियो आराम से क्रिएट हो सकती है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीनों माइक्स को अलग अलग टाइम पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रंट से, बैक से, साइड वेज, किस तरह से जो है ये माइक काम करते हैं, कितनी इसमें नॉइस रिडक्शन होती है, कितनी नहीं होती है, इन सब चीज़ों का रिजल्ट आपको चल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, विदाउट फैन और विदाउट एनी माइक, ये आईफोन का अपना इंटरनल माइक है जिसकी वॉइस क्वालिटी इस टाइम ये है, थोड़ी सी आवाज़ गूंज भी रही होगी आई गेस, इंडोर है, आउटडोर में भी जो है वो ये काफ़ी हर तरफ से आवाज़ पकड़ता है और काफ़ी जो है वो इसमें थोड़ा सा शोर आता है, एक नॉइस सी आ रही होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई माइक नहीं है तो आप कॉन्टेंट फिर भी बना सकते हैं, अगर फ़ोन जेब में है निकालें आईफोन या कोई सा भी फ़ोन, और आप जो है वो आराम से शूट करना शुरू कर दें और वीडियो क्रिएट कर लें, वरना माइक लेना बेस्ट होता है। मैंने जैसे आप लोगों को आगे जाके मैं सारे माइक्स अभी आप लोगों को रिव्यू कराऊंगा। फ़िलहाल ये जो अभी है ये आईफोन का इंटरनल अपना माइक है, फ़ैन ऑफ है मेरा इस टाइम, मैं अभी लाउंज में हूँ अपने, और ये इसका रिज़ल्ट है। और अभी जो है मैं फ़ैन ऑन करता हूँ और आपको इसका इंटरनल माइक का भी जो है वो रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि आईफोन का अपना जो माइक है उसका रिज़ल्ट किस तरह आता है विथ फ़ैन, यानी कि कुछ नॉइस के साथ, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा सा पैर का इशू है, इस वजह से अभी मैं आप लोगों को विद फैन भी दिखाता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले जो है हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं जो आईफोन का अपना बिल्ट इन माइक है, और इसमें जो है ये आप देख लें, अभी मेरा फ़ैन चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए फ़ैन चल रहा है, और फ़ैन के साथ आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इसकी आवाज़ जो है इस टाइम एक ये इनडोर में आवाज़ कैसी आ रही है। आई होप आप लोगों को इसका अंदाज़ा लग गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट माइक की तरफ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है हमारा वो है ये बोया का MM1, और इस ये शॉटगन माइक है, और ये जो है वो मोबाइल के ऊपर ही लग जाता है कोल्ड शू माउंट में, और इसकी आवाज़ वन ऑफ द बेस्ट है, व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज मुझे लगता है, इसका कोई वायर नहीं है, यह आपके मोबाइल के साथ आराम से कनेक्टर के साथ लग जाएगा, 3.5 mm जैक के साथ लग जाता है। अगर आपके पास आईफोन है तो इसका एक स्प्लिटर मिलता है एक अलग से, वो ओरिजिनल ही लिएगा तो वो राउंड अबाउट कोई 1700-1800 का होगा, उसके साथ ही ये माइक काम करेगा। लोकल में अक्सर ये माइक काम नहीं करता लोकल कनेक्टर के साथ, तो कुछ लोगों का करता भी है। एनीवेज इसका सब वैसे एडवांटेज तो ये है कि ये नॉइस कैंसिलेशन इसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी शोर शराबा अगर बाहर हो रहा हो तो अच्छा है। ये विदाउट फ़ैन मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो ये है, लेकिन जैसे ही इसको मैं टर्न करूँगा, अगर मैं पीछे का आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आवाज़ इसकी जो है वो इस तरह स्लो हो जाती है, और अगर जिस तरीके से मैं इसको फ्रंट पे लेकर आऊँगा तो ये मेरे, क्योंकि शॉटगन माइक है मेरी तरफ डायरेक्शन में है इस टाइम, तो इसकी आवाज़ जो है जैसे मैं अपनी डायरेक्शन में तरफ करूँगा तो आवाज़ अच्छी हो जाएगी, पीछे का दिखाऊँगा तो आवाज़ कम हो जाती है। तो उसके लिए जो है आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि बेस्ट हल क्या है। अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको बोया का MM1, और आप लोगों को दिखाता हूँ विद फ़ैन के साथ जो है ये आप लोगों को किस तरह का साउंड देता है। अभी ये मेरे मोबाइल के टॉप पे लगा हुआ है, फेसिंग मेरी तरफ है तो आवाज़ मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर होगी। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन दिखाता हूँ, ये देखिए फ़ैन भी चल रहा है, लेकिन इसका सबसे जो मैं इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज समझता हूँ ये है कि जैसे ही मैं आपको अपने सामने की चीज़ दिखाना चाहूँगा तो इसका जो है ये फेसिंग जो है उस तरफ हो जाएगी माइक की, और आवाज़ थोड़ी सी जो है वो फिर लैग करती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, ये देखें जैसे जैसे मैं साथ साथ घुमाया और मैं आप लोगों को चीज़ दिखा रहा हूँ तो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, और जैसे जैसे जो है मैं अपनी तरफ इसको करता हूँ तो आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है। ये मैं वैसे पोस्ट प्रोडक्शन में देखूँगा कि किस तरह की इसकी नॉइस क्वालिटी या साउंड क्वालिटी आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन कैसी है, तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा लग गया होगा। आप चलते हैं अपने दूसरे माइक की। हाँ जी, अब तो मैंने ये लगा लिया है लेवलियर माइक, और इससे आप लोग देखें आवाज़ आप लोगों पर चल रही होगी, लेवलियर माइक है ये विद एक्चुअली
वायर होता है, विद वायर के साथ है। और इसके साथ आप देख लें अभी फ़ैन मेरा ऑन है और आपको दिखाऊँ ये फ़ैन चल रहा है। तो फ़ैन के साथ भी आप लोग देख लें इसकी आवाज़ किस टाइप की है। हाँ तो जी, अच्छा अभी मैंने ये लेवलियर माइक लगाया है और आप ये देखें कि विदाउट फ़ैन जो है ये इसका साउंड कैसा है। मेरे ख्याल से इसका बहुत वन ऑफ़ द बेस्ट साउंड है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतने सारे वायर को आप साथ में लेके घूमना पसंद नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये उलझेगा। तो इसके लिए इसका जो हल है मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा आगे, जो वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट माइक है उसको लगाकर। लेकिन अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या कोई सी चीज़ का ट्यूटोरियल दे रहे हैं बैठ के घर में ही इनडोर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसमें बेशक आप जो है वो कैमरा एंगल घुमा लें लेकिन आवाज़ जो है वो आपकी आराम से जो है वो आती रहेगी, सही कैप्चर होगी क्योंकि माइक आपके यहाँ पे चेस्ट पे लगा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट है हमारा ये ब्लूटूथ माइक जो है K9। ये बहुत बजट फ्रेंडली है, तकरीबन अराउंड 5000 का मिल जाता है, जिसमें ये दो माइक होते हैं और सिंगल माइक वाला ये आई गेस 2500 का है। ड्यूअल माइक में फ़ायदा है अगर आप जो है वो किसी और के साथ भी जो है वो वीडियोस अपनी बना रहे हैं कोई और बंदे के, आप माइक ये लगा सकते हैं आराम से और जितना भी डिस्टेंस हो इसको ट्राईपॉड पे रख दें आप मोबाइल को या कैमरे को, आप आराम से जो है वो सॉरी ये मोबाइल के लिए है, ये वाला माइक जो है मोबाइल के लिए, कैमरे के लिए नहीं है। तो आप जो है वो आराम से इसको ट्राईपॉड पे कैम मोबाइल को रख के आप जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी एंगल पे कर लें और ये किसी भी एंगल में आपने कर लिया कोई आवाज़ आपकी जो है वो कटेगी नहीं, आराम से जो है वो आवाज़ आएगी। फ़ैन मेरा ऑफ है इस टाइम, तो इसको विदाउट फ़ैन जो है ये हम टेस्ट करके देख रहे हैं और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा विद फ़ैन जो है ये इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा और आवाज़ की क्वालिटी क्या आएगी। अच्छा भाई, ये मेरा जो है ना सबसे फेवरेट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और इसकी वजह यह है कि ये एक तो वायरलेस है, उसमें मेरी नज़र में नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी होती है, वैसे मैं फिर बताऊँ कि मैं एडिटिंग में देखूँगा इसको। और अभी फ़ैन चल रहा है, मैं आप लोग घुमाऊँ भी अगर कैमरा उस तरफ भी कर लूँ तो भी जो है आवाज़ नहीं कटेगी क्योंकि माइक मेरे यहाँ लगा हुआ है। और ये देखें फ़ैन चल रहा है और फ़ैन के चलते हुए मैं अगर आपको पीछे दिखाऊं कि फ़ैन चल रहा है तो कोई जो है वो मैं बोलता जा रहा हूं और दिखा मैं उस साइड कर रहा हूं लेकिन आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। अगर मैं इसको इस साइड पे भी करता हूं तब भी आवाज़ जो है क्लियर आएगी। इसका जो है वो सिंगल चैनल वाला भी मिलता है लेकिन मैंने ये जो है वो ड्यूल चैनल वाला लिया है। उसकी वजह यह है कि इसमें दो माइक हैं और एक इसका रिसीवर है, तो इसमें ये एडवांटेज होता है कि आप दो बंदे एक साथ जो है लगा लें और काफ़ी इसकी अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी इसकी रेंज होती है। आप जो है वो लॉन्ग वीडियोस के लिए आराम से इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए या कहीं पे जाते हैं कोई प्रोडक्ट को आप जो है वो शोकेस कर रहे हैं, किसी शॉप पे गए हैं वहाँ पे जैसे आजकल लोग जो है वो कपड़ों की कंप्यूटर्स की कैमरास की जो है वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसमें आपको माइक को वायर के साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एंगल में होगा आप आराम से जो है वो वीडियो बना सकते हैं, आवाज़ आपकी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आएगी। इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है वो सारे माइक्स का जो है वो सब डिफरेंस आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा। इन दी एंड मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं लोकेशन इसलिए नहीं चेंज करी क्योंकि मेरे पैर पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो इस वजह से मैं एक ही जगह बैठ के जो है वो ये माइक की वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको जो है वो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नेक्स्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।